इसके बाद हमारी आती है यहाँ पर सॉफ्ट डिश, इसको सॉफ्ट डिश बोला जाता है, इसको आप साबुन रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बगल में भी सॉफ्ट डिश हो गई, या ये हो गया हमारा पेस्ट होल्डर, पेस्ट होल्डर ब्रश रखने के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें आप ब्रश वगैरह रख सकते हैं, इसमें कोलगेट वगैरह इसमें डाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्लीट बाथरूम में लगने वाला सामान का नाम क्या होता है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। जैसा कि ये पेपर होल्डर है और इसमें टिश्यू पेपर यूज़ किया जाता है, और आप यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट बाथरूम देख रहे हैं एक, अरे ये हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट वॉश बेसिन है, और एक बाथरूम हमारा ये है, ये भी पूरा कंप्लीट बाथरूम है। तो इनमें जो जो सामान लगा हुआ है उसके नाम हम आपको बताएंगे और उसको यूज़ कैसे किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आप प्लम्बर हैं तो इन सब चीज़ों का नाम नहीं जानते, इनको यूज़ करना नहीं जानते, तो आज की इस वीडियो में आप इन सब का सारे आइटम का नाम और काम जान जाएंगे। यदि आप आम व्यक्ति हैं और इन आइटम को पूरा कंप्लीट बाथरूम को लगवाना चाहते हैं, सारे आइटम को लगवाना चाहते हैं, तो हम आपको आप इस वीडियो में इन आइटम सारे आइटम का नाम और काम के बारे में जान जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देते रहे, हम एक एक पुर्जे की आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसी कोने से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ये कॉर्नर लगा हुआ, इसको क्या यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप सामने यहाँ पे देखते होंगे ये शैम्पू वगैरह के डिब्बे वगैरह इन्होंने रख रखे हैं, तो आप इसको कॉर्नर को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये है हैंगर, हैंगर पर आप जब भी आप बाथरूम में नहाने के लिए आते होंगे तो इसमें कपड़े वगैरह आप रख करके यहाँ पर बाथरूम को यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे भी हमने यहाँ पर हैंगर लगा रखा है, ये भी इसी काम में यूज़ किया जाता है। और एक यहाँ पर हमारा ये भी कॉर्नर है, कॉर्नर पे भी आप डब्बे वगैरह साबुन वगैरह रख सकते हैं। ऊपर हो गया हमारा साबुन और नीचे है हमारा डायवेटर, या इसके ऊपर के जो प्लेट है इसको डायवेटर के अपर पार्ट बोले जाते हैं, और नीचे है हमारा स्पाउ और साइड में है बिग कॉक लॉन्ग बॉडी। इसको यूज ऐसे आप ऊपर को उठाएंगे तो ये यहाँ से पानी करने लगा, इस साइड में को ठंडा पानी आता है, बीच में ठंडा गर्म आता है, इस साइड में को हॉट वाटर आता है सिर्फ, और इसको नीचे दबा देंगे तो यहाँ पर पानी रुक जाता है। और साबर हमको चलाना है तो इसको उठाइए, इसको इसको घुमा देंगे लोग को तो यहाँ पर साबर हमारा निकलने लगता है। इसके बाद हमारी आती है यहाँ पर सॉफ्ट डिश, इसको सॉफ्ट डिश बोला जाता है, इसको आप साबुन रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बगल में भी सॉफ्ट डिश हो गई, या ये हो गया हमारा पेस्ट होल्डर, पेस्ट होल्डर ब्रश रखने के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें आप ब्रश वगैरह रख सकते हैं, इसमें कोलगेट वगैरह इसमें डाल सकते हैं। और यह है हमारा कॉर्नर वॉश बेसिन, इसमें सिंगल पानी की पिलर को लगा रखी है हमने, और ये नीचे बेस पेपर है, और ये कनेक्शन पेप नीचे, ये एंगल वॉल, और नीचे एक हमने 4 इंच की प्लेन जाली लगा रखी है, और ऊपर है ये हमारा एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन बाथरूम की बदबू को निकालने का काम करता है। और सामने आप ये देखते हैं ये है गीजर, गीजर में जो कनेक्शन पेप होते हैं यहाँ पर एंगल वॉल होता है, यहाँ पर भी एंगल वॉल होता है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। दूसरी है यहाँ पर हमारी वन पीस सीट, वन पीस में पीछे यहाँ पर फ्लश होता है, इसको आप दबाएंगे तो फ्लश हो जाएगा। ये है हमारी बिकॉक सीट के आगे यूज कर सकते हैं आप। ये है हमारा पेपर होल्डर, पेपर होल्डर में टिश्यू पेपर लगाने का काम किया जाता है। ये है हमारा जेट के पॉइंट, इसको चलाएंगे तो यहाँ पर जेट में पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है इस प्रकार। ये हमारा सिंगल एंगल वॉल, ये सिस्टम को भरने का काम किया करता है। ये आ गया हमारा वॉश बेसिन, यहाँ पर हमने सेंटर होम मिक्सचर लगा रखा है, यहाँ पर गर्म पानी आता है, यहाँ पे टैंक का पानी, टैंक वाटर आता है, इसको दोनों को चला लेंगे तो यहाँ पर इसमें ठंडा गर्म दोनों मिक्स होकर जाएगा, और इस सीधे हाथ वाले को चलाएंगे तो टैंक का पानी यहाँ पे आता है सीधा। ये हमारी सॉफ्ट डिश, सॉफ्ट डिश में सामान रखा हुआ है, यहाँ पे ये हो गया हमारा मिनर, और ये हो गया हमारा टावल रिंग, टावल रिंग में टावल टांगने का काम, इसको वॉश बेसिन को यूज़ करके टावल से आप हाथ मुँह पहुँच सकते हैं। और नीचे रहा हमारा ये फुल पेडिस्टल, यहाँ पर हमने ये 2-in-1 बिग कॉक लगा रखी है, यहाँ पर एंगल कॉक लगा रखा है। सेम ऐसे ही इस बाथरूम में भी यहाँ पर कॉर्नर वॉश बेसिन लगा हुआ है, जैसे मैंने उधर समझा दिया था आपको। यार यहाँ पर भी ये पेस्ट होल्डर हो गया हमारा, यहाँ पर
और ये हो गया हमारा इंडियन टॉयलेट। इंडियन टॉयलेट में सीधे यहाँ पर ये सिस्टम लगा हुआ है, इसमें ये प्लस बटन है, इसको दबाएंगे तो फ्लश हो जाएगा। और ये कनेक्शन पे भी ये एंगल कॉक और ये बिग कॉक, ऊपर एडजस्टमेंट, यहाँ पर हमारी सॉफ्ट डिस्क, ऊपर भी सॉफ्ट डिस्क, ऊपर सावर, ये दोनों कंसील्ड। कंसील्ड का काम इसको सावर को खोलने का काम किया जाता है, करता है, जैसे कि यहाँ पर टैंक वाटर और इससे हॉट वाटर आता है, दोनों को खोल देंगे तो सावर में मिक्स पानी आएगा। नीचे हमारी तीनों बिग कॉक लगनी है और ये हमारा हैंगर। तो आपने कंप्लीट बाथरूम में लगने वाले सामान का नाम और काम बहुत ही आसानी से इस वीडियो में जान लिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे वीडियो को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ यार ये दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लम्बर हेल्प चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेक्टिव वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।